जी जेएस की बाइक फाइनली कर दिखाया। की बाइक की क्लच प्लेट फूक गए, लोड कर दिया हमने इसमें सही वक्त पे। भैया आ गए, लोड कर दिया। अब भैया जहाँ तक छोड़े जाएंगे, अब भैया के साथ साथ जेएस बैठेगा आगे। इंस्पेक्टर साहब जी, जय माता ज्योति, जय माता दी। तो जी झरने से थोड़ी दूर चलते ही जेएस की बाइक की क्लच प्लेट हो गई है बंद, पूरी फूक गई है। पहला दूसरा गियर डालने के बाद भी बाइक बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद ये भैया मिल गए थे, टेम्पो वाले, पिकअप वाले। तो इनकी पिकअप में हमने लोड करा दी। अब ऑप्शन नीचे जाने के लिए कोई दिख ही नहीं रहा था, फिर वहाँ पर टाइम ख़राब करना बेकार था। तो हमने भैया से कहा, भैया आप हमें नीचे ही छोड़ दो, मतलब सच पास से किलर की तरफ ही छोड़ दो, कोई मैकेनिक मिलेगा तो वहीं रिपेयर कराएंगे हम, या वहीं से कोई और पिकअप ले लेंगे, क्योंकि नीचे आता मेरे को कोई नहीं दिखा अभी तक। दो ये भैया से पहले एक और गया था और ये भैया थे, तो इसलिए हमने गुल्लू और मैं थे, बाकी सब आगे थे। हम दोनों ने फिर डिसीजन लेना था क्या करना है। इन भैया को भी जाने नहीं दे सकते थे और ये भैया नीचे भी नहीं जाते, तो हमने फिर यही डिसीजन लिया कि हम इसी में लोड करेंगे और भैया जहाँ तक टांडी तक तो बोल ही रहे हैं वहाँ तक छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे फिर भैया जाएंगे कहीं रिपेयर शॉप तक, तो ठीक है, बोल तो रहे हैं कि भैया पूरी हेल्प कर दूंगा, टेंशन ना लो, जहाँ रिपेयर वाला मिलेगा, जहाँ तुम्हारी बाइक बनेगी मैं वहाँ आपको छोड़ दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, और दो भैया और थे पीछे, उनका भी, तीन भैया, उन्होंने बाइक लोड करवाई, ईंटें वीटें हटाई, इसमें ईंटें लोड है तो वो ईंटें वगैरह उन्होंने हटाई, बाइक को उठवाया, लोड करवाया। फिर भैया ने, पिकअप वाले भैया ने उस बाइक को ऐसा बांधा है जेएस की बाइक को कि हिल नहीं सकती। आप देख सकते हो मेरे सामने ही चल रही है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ों में ये यार बंदा एक दूसरे की हेल्प करता है, नहीं तो पहाड़ों में कौन आ रहा है। चलो मैं पिकअप से आगे निकलता हूँ थोड़ा, वो सामने बंदों के पास। तो जी मौसम भी खराब से ही होने वाला है। ये देखो आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, तो ये बादल आ रहे हैं। ओ बेहतरीन नजारा, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन नजारे के साथ, मौसम खराब ना हो बस, घटा घुटू तो झेल लेंगे, बस मौसम नहीं खराब होना चाहिए, बस भगवान बारिश वारिश मत कर दियो। तुम देखो पूरा वाइट हो गया, क्लाउडी क्लाउडी, नीचे देखो वो दिख ही नहीं रहा नीचे। धन्नो चढ़ जा, आ गई। रहा ना मैं तुम्हारे पीछे। तो यहाँ चल रहा है काम, तो इसलिए हमें रुकना पड़ा। जेसीबी लग रही है, भाई थोड़े साइड करेगा, साइड देगा तो हम जाएंगे।
ठीक भी है, बाइक भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अब भाई हटाएगा, हम जाएंगे। चलो हटा ली, अब चलते हैं। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, पूरी रोड पे पानी पानी और बाइक हिलती हुई, जलोटे खाती हुई और निकल गई। अब मनोज भाई ने पिकअप बनाया और निकल गए। तो यही रहता है, ये देखो कितनी स्टीप चढ़ाई है और ये हम भी चढ़ गए। ओ चढ़ 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 We are reached Sachpas. Finally कर दिखाया Sachpas. पहुंच गए हैं Sachpas. यहाँ माता का मंदिर है, जय माता दी। पहुंच गए भाई, पहुंच गए Sachpas. जय बोल हर हर महादेव। पहुंच गए आखिरकार Sachpas। हाँ, अब माता के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। डीजी राइडर्स फाइनली वी रीच Sachpas और पीछे हमारे देख सकते हैं मंदिर है और ये लिखा हुआ है Sachpas 4500 मीटर। फाइनली कर दिखाया, इजी तो नहीं था, भूल रही है पास पे है क्योंकि हाइट पे है। डीजी राइडर ने एक और पास अपने नाम कर लिया भाई Sachpas। वेरी गुड वेरी गुड कर लिया है अपने नाम Sachpas। सारे भाई बंधु और तिरंगे के साथ सारे राइडर्स हमारे डीजी राइडर्स के एक और पास हमने नाम कर लिया हमने। ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ पे करते हैं दर्शन। ये है मंदिर, जय माता दी। माता टेक लेते हैं मंदिर पे, जय माता दी जय माता दी। एक ये भी मंदिर है माता का, जय माता दी जय माता दी। यहाँ पे भोले जी भी हैं, बम बम भोले हर हर महादेव। ये ऊपर से व्यू यहाँ का Sachpas का। मौसम थोड़ा खराब है लेकिन कुल्लू भाई आ गए ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठ के, कंडक्टर सीट पे बैठ के। भाई को बुरा लग रहा होगा बहुत, ये मेरी बाइक नहीं कर पाई। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, टेंशन किस बात की है। लेकिन भाई तो जी Sachpas पे हो गया मौसम खराब। तो जी Sachpas से हम निकल गए क्योंकि मौसम हो रहा था खराब, देखो कितने क्लाउड आ गए। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, ऊपर एक मंदिर है माता का, वहाँ भी हमने दर्शन किए और फिर हमने मैगी खाई, चावल खाए, राजमा चावल एंड कड़ी चावल भाई। लेकिन गर्म बिल्कुल भी नहीं थे, एक तो ठंड ऊपर से बिल्कुल भी गर्म, ऐसा लग रहा था जैसे फ्रिज में से निकाल कर दिए भैया ने।
बहुत ज़्यादा ढलान है, पूरा रोड खड़ा नीचे जा रहा है, इसलिए मोड़ पे थोड़ा देख के मोड़ना पड़ता है क्योंकि डिसबैलेंस होती गिर जाएंगे। यहाँ लिटा तो सकती नहीं है बाइक, ये देखो मेरी बाइक अभी स्किड हुई पत्थर से। सस्ते राइडर फिर आ गए, 5 साल से कैसे चला रहा था बुड्ढा, टूट गया, पिकअप हायर करना पड़ गया इसके लिए। ये तो 19 पे लगवाया था पहले वाला भी, और देखो वो रखा कैरियर, ये पड़ी एक बाइक ही पड़ी है, एक बाइक ही पड़ी है, देखो ये बनेंगे सस्ते राइडर, इनके महंगे हो गए। तो जी यहाँ पे हमने किया था विक्की भाई का कैरियर हटाया था, उसके पेज गिर गए थे, फिर वो चटक भी गया था, मतलब टूट गया था, दोनों जगह से लटक रहा था पीछे, तो वो हटा दिया, गाड़ी में लोड कर दिया और हम भी जा रहे हैं। तो जी सुबह से लेके शाम हो गई, तब आके अब टर्मिक रोड दिखाए काला काला, ये इतनी ऑफ रोडिंग कर ली आज तो पूछो ही मत, इस रोड की दिखने की खुशी, इतनी खुशी पूछो मत, मजा आ गया। मिल गया एकदम बढ़िया रोड। देखो कितना पुराना ब्रिज है, पूरा टूटा फूटा था, और एक उसके बराबर में वो ओल्ड ब्रिज होगा पहले का, लोग उस पर पैदल जाते होंगे, अब ये गाड़ी वगैरह के लिए बनाया है। ये देखो ये लोग ऊपर बैठते, क्या ब्रिज था। जैसे ही आप सच पास उतरोगे और रोड को ब्रिज क्रॉस करोगे तो आपको किल्लर से ऐसी रोड मिल जाएगी एकदम बढ़िया डबल साइडेड, और मिलनी भी चाहिए भाई, 7-8 घंटे आप जो सच पास से चढ़ते हुए उतरते हुए आओगे ना, उसके बाद ये रोड जब मिलेगी तो तुम्हें रोड की अहमियत पता चलेगी। किलाड़ में हम रुक चुके हैं और गुल्लू की बाइक खराब हो गई तो वहीं पर उतरवा ली हमने, आगे जाने के 10,000 रुपये मांग रहा ड्राइवर, तो पिकअप वाला क्या करे, फिर यहीं स्टे मारेंगे, 2-3 मैकेनिक की दुकान है, स्पेयर पार्ट की भी है, अब सुबह उनका खुलने का इंतजार है, खुलेंगी क्लच प्लेट लगेगी, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे राइड, अभी हमने यहीं स्टे ले लिया है, आगे जाते ही नहीं, जाते तो कैसे जाते उसे छोड़ के। चलो मिलते हैं आपसे बाद में।